हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। इलायची खाने में स्वाद लाने का काम तो करती ही है, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। इलायची का सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। माना जाता है कि इलायची के बीज, तेल और अर्घ में प्रभावशाली औषधीय गुण होते हैं और सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में जानते हैं इलायची खाने के 10 अद्भुत फायदे और साथ ही देखेंगे ज्यादा इलायची खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। कील मुहासों से छुटकारा मिलता है। जी हाँ, जिन लोगों को कील और मुहासे की समस्या होती है उन्हें रोज रात को इलायची का सेवन करना चाहिए। इसके लिए सोने से पहले गर्म पानी के साथ एक इलायची खाना चाहिए। ऐसा करने से स्किन संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। गले के दर्द और खराश से छुटकारा मिलता है। इलायची का सेवन करने से सर्दी की वजह से जो गले में दर्द और खराश हो जाती है उसमें भी राहत मिलती है। सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले 1 से 2 इलायची चबा चबा कर खा लीजिए और फिर उसके ऊपर हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। कुछ समय में आपके गले को आराम मिलने लगेगा। क्योंकि इलायची गर्म होती है तो यह शरीर में गर्माहट बढ़ाती है, जिसकी वजह से सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। यही नहीं, कफ की परेशानी को दूर करने के लिए भी इलायची फायदेमंद होती है। हिचकी बंद करने में उपयोगी है इलायची। कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा और बहुत देर तक हिचकी आती रहती है, जिसकी वजह से उसे परेशानी सी महसूस होने लगती है। हिचकी को बंद करने के लिए बस आपको एक इलायची मुंह में दबानी है और उसको धीरे धीरे चबाते रहिए। देखते ही देखते हिचकी बंद हो जाएगी। पाचन स्वास्थ्य में सुधार। जिन लोगों को हमेशा पेट से संबंधित कोई न कोई परेशानी लगी रहती है उन्हें रोज सुबह उठकर खाली पेट इलायची गुनगुने पानी के साथ खाना चाहिए। ऐसा कुछ दिन लगातार करने से उन्हें बहुत लाभ होगा। इलायची को पेट में पित्त एसिड के स्त्राव को प्रभावित करने, पाचन में सहायता और उचित वसा चयापचय के लिए भी जाना जाता है। यह अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां जैसे एसिड रिफ्लक्स, दस्त आदि को भी रोकता है। अच्छी नींद के लिए खाएं इलायची। कई ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आ पाती और रात को ठीक से सोने के लिए भी दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो बजाय दवाइयां लेने के आप ये नेचुरल तरीका अपनाएं। रोजाना रात को सोने से पहले एक इलायची लो और उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। ऐसा करने से आपको नींद तो अच्छी आएगी ही, साथ में खराटों की समस्या में भी राहत मिलेगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकती है इलायची। इलायची में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इलायची पोटेशियम और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उन्हें खाने के बाद इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए। तनाव कम करने में भी सहायक है इलायची। यदि आप रोजाना इलायची का काढ़ा पीते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल या तनाव दूर होगा। इसका काढ़ा बनाने के लिए आप 3 से 4 इलायची के पाउडर को 1 गिलास पानी में उबाल लें और इसे तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। आप काढ़े में थोड़ा सा शहद मिलाकर मिक्स करके इसको पी लीजिए। इसका सेवन करने से आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। उल्टी बंद हो जाती है। यदि आपका जी मचला रहा है और उल्टी सी आ रही है या फिर मुंह का स्वाद खराब हो रहा है तो ऐसे में आप बस एक इलायची मुंह में दबा लें और कुछ देर तक इसे चबाते रहें। थोड़ी देर में आपको बेहतर लगने लगेगा। इलायची दिमाग तेज करती है। चाहे दिमाग तेज करना हो या आंखों की रोशनी बढ़ानी हो या याददाश्त को तेज करना हो, इन सभी चीजों के लिए इलायची बहुत उपयोगी है। यदि आप इलायची के दानों को 2-3 बादाम व 2-3 पिस्ता के साथ 2-3 चम्मच दूध डालकर पीस लें, फिर सभी चीजों को 1 गिलास दूध में डालकर उसे तब तक पकाएं जब तक के दूध खूब गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद इस दूध में मिश्री मिलाकर इसका सेवन करें। इससे आपका दिमाग तेज होगा। यह मिक्स बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। हमने इलायची के फायदे देख लिए हैं। आइए मैं आपको जल्दी से इलायची से होने वाले नुकसान के बारे में भी बता दूं। लगातार या बहुत अधिक मात्रा में इलायची खाने से शरीर में रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को इलायची से एलर्जी होती है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता और वे इलायची का सेवन कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यदि इलायची का एक बार सेवन करने से आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इलायची खाने से पथरी पड़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर इलायची को ठीक से नहीं पचा पाता और धीरे धीरे यह गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण भी बन सकता है। खासकर पथरी के रोगियों को इलायची से परहेज रखना चाहिए।
दवाइयों के साथ इलायची का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इलायची दवाइयों से रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से कोई दूसरी ही परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इलायची के साइड इफेक्ट से आप परेशान ना हो, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इलायची बहुत ही अच्छी है, बस इसकी आदत ना डालें। कोई भी चीज सीमित मात्रा में ग्रहण करना अच्छा रहता है, जैसा कि कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है। तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।